गायत्री जी की बातों का मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं उनके स्वभाव को जानती हूँ। और बेटा, मुझे इस बात का भी भरोसा है कि तू बहुत जल्द उनका दिल जीत लेगी। उनका ही क्या, इस घर के सब लोगों का दिल जीत लेगी। बस बस मुझे फिक्र है तो सिर्फ एक बात की। मैं जानती हूं मां, आप क्या कहना चाह रही हैं। लेकिन मां, आप फिक्र मत कीजिए, मैं वही कर रही हूं जिससे पालक और पायल को खुशी मिले और मुझे उनका प्यार। आप चिंता मत कीजिए मां, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा आरती, कैसे ठीक हो जाएगा? बच्चों का प्यार पाने के लिए अर्पिता की जगह लेने की क्या जरूरत है? तू अर्पिता नहीं, आरती है। और बेटा, अगर तू कोशिश करे ना तो पलक और पायल तुझे यानी कि आरती को अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लेंगे। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन अब मैं अपने बढ़ाए हुए कदम पीछे नहीं ले सकती। आप नहीं जानती माँ, मेरे लिए पलक का बर्थडे कितना इंपॉर्टेंट है। यश जी तो मान ही नहीं रहे थे, जब पलक ने हाँ कहा तब जाके इस पार्टी की परमिशन दी। और माँ, उस मासूम के बारे में सोचिए, वो तो अपना बर्थडे मनाती भी नहीं, तो क्या ये मेरा फर्ज नहीं है कि मैं उस मासूम को उसका बचपन वापस लौटा दूँ? माँ, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पलक और पायल मुझ में अपनी सगी माँ देख सके। फिर चाहे मैं आरती बनी रहूँ या अर्पिता, क्या फ़र्क पड़ता है? माँ, आप ही ने मुझे सिखाया ना, आप ही ने तो कहा था कि इस घर में मुझे एक बहू, एक पत्नी और एक माँ का फर्ज निभाना है। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि मैं वही फर्ज निभा रही हूँ। बेटा, मैं सिर्फ ये कहने की, अब और कुछ मत कहिए, बस यकीन करिए मुझ पर, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। पता नहीं क्यों तेरे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है। तू पलक और पायल की माँ तो बन रही है, लेकिन यश जी, यश जी का क्या? क्या उन्हें ये ठीक लगेगा कि तू अर्पिता की जगह ले रही है? उनके कमरे में सारी तस्वीरें देखकर यही लग रहा है कि वो अभी तक अर्पिता को भूल नहीं पाए, ना ही अर्पिता की जगह वो किसी को देंगे। तेरे इस फैसले से मुझे बहुत डर लग रहा है आरती, कहीं तेरा लिया हुआ ये फैसला तेरी जिंदगी में तूफान ना ले आए।